दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं, इधर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किरण मैम को बुलाया और कहा आप जाइए पांडिचेरी को संभालिए, और इधर वहां पहुंचने से पहले ही किरण मैम ने फोन पे ही लाइनअप करना शुरू कर दिया। फोन पे वहां के लोगों को फोन किया और सबसे पहले क्राइम से रिलेटेड हेल्पलाइन या बोर्ड लाइन नंबर एंड इस तरह के जितने भी इश्यूज थे उनसे रिलेटेड सेंट्रल लाइन नंबर्स या जिनको कहते हैं टोल फ्री नंबर्स, वो सेटअप करना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं देखिए, अपने काम में जिस मोमेंट में हमें काम मिला उसी समय काम शुरू। अदरवाइज बाकी के लोग आज पोजीशन मिली है, 10-15 दिन बाद उसे समझेंगे, उसके बाद काम करना शुरू करेंगे। आई थिंक 2-3 महीने, 1.5 महीना, 2.5 महीना इतना समय लग जाता है। बट मैम को जब भी कोई भी पोजीशन मिली, शी वॉज इमीडिएटली ऑन इट। मैम, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि काम ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। सब कुछ जो आपको मिल रहा है वो काम के कारण मिल रहा है। And I think your life is the testimony for that. मैम, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि समय में आपको हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, ऐसे ही आपको बुक्स पढ़ना, अपनी हॉबीज वगैरह, फैमिली को भी टाइम देना है, साथ में काम को भी टाइम देना है। बट जब आप ट्रैफिक पुलिस में थे या आप तिहाड़ जेल के इंचार्ज थे, आपने बताया आपकी, मैं बायोग्राफी वगैरह देख रहा था, तो 19 आवर्स आप काम करते थे, सुबह 5 बजे से लेके रात को कई बार 12 बजे तक, 11 बजे तक। तो इतना ज्यादा काम करने के बाद आपको कैसे समय मिलता था आपके हेल्थ के लिए या परिवार के लिए? क्या इस सिचुएशन में कभी आपके, आपकी बिटिया को परेशानी हुई, आपके हस्बैंड को परेशानी हुई, घर वालों को भी हुआ होगा? सो हाउ डू यू डील विद ऑल दैट? क्योंकि 19 आवर्स के वर्क में इट्स हाईली इम्पॉसिबल टू गिव टाइम टू सो मेनी थिंग्स। और ये एक डायलेमा है सभी कॉर्पोरेट, आई थिंक कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए, कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने वाले लोगों के लिए, कि इतना समय काम ले लेता है। हाउ डू वी कीप ट्रैक ऑफ ऑल दीज थिंग्स? हाउ डू वी मैनेज आर लाइफ 360 डिग्री? बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझना कि अगर आपको अपना, जैसे आर्मी ऑफिसर, जब आर्मी ऑफिसर सियाचिन में और सब जगह रहता था, उसकी ताकत कौन होती? एक हमारे आर्मी ऑफिसर्स की, फौज की ताकत क्या है? हमारे आर्मी जवान की ताकत क्या है? उसका परिवार। अगर उसका परिवार ना हो तो उसके बच्चे, और परिवार और संस्था, सारी आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, द आर्मी वेलफेयर, सारी सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उसकी फैमिली। तो हर जवान की फैमिली और उसकी संस्था उसको पीठ पे होती है, और तब जो जाके वो निडर होके हमारे हृदयों, सारी चीजों की सुरक्षा करता है। मेरे पीछे भी ऐसा ही था, मेरे पीछे मेरा परिवार था, मेरे पीछे मेरा सारा परिवार था जो चाहता था कि मैं ये 19 घंटे काम करूं। awesome. तो और उसमें मुझे बड़ी खुशी मिलती थी, क्योंकि जब मेरा सारा परिवार मेरे पीछे था, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे इन लॉज, मेरा हस्बैंड, मेरी फैमिली मेरा पीछे थी, मेरी पीठ पे थी कि आप काम करो, हम है ना। तो मैं जब घर वापस आती तो खाना बना हुआ था, खाना ठंडा है नहीं है, गर्म खाना मेरी माँ मुझे देती थी। सो मेरे पर कोई गलत डिमांड नहीं करता था, अगर डिमांड करने लगते तो वही समय उसमें निकलता। करेक्ट। और फिर मेरी बड़ी अच्छी कोई सपोर्ट सिस्टम और मेरी फ्रेंड्स भी थी, अगर मेरी बेटी बीमार है तो मैं भी उसके साथ हूँ, लेकिन मेरी महिला फ्रेंड डॉक्टर भी है, मेरी डॉक्टर मेरी मम्मी को सपोर्ट कर रही। सो वी हैड क्रिएटेड अ सपोर्ट सिस्टम जिसमें पेड फॉर भी था, जहां मैंने पे किया अपने पेड सिस्टम को, और कुछ मुझे फैमिली से मिला। सो फैमिली सपोर्ट एंड पेड सर्विस बाइज यू टाइम। सो मैं टाइम ऐसे मिलता था मुझे, क्योंकि मैं वहां से बचाकर समाज की सेवा कर सकूं। और उस वक्त ये था, मेरे पास चॉइस नहीं थी, ये नहीं मुझे 19 घंटे अच्छा लगता, जरूरत थी तो मैंने दिया। जैसे सर्जन है, सर्जन ये नहीं कह सकता मैं घर जाऊं, ऑपरेशन कोई और करेगा, नहीं मैं बाद में करूंगा। जो समय की जरूरत है, समय की पुकार है, आपको उसकी प्रायोरिटी करनी पड़ेगी। इसलिए माँ बाप का सहाया, अब फैमिली सपोर्ट रिश्तेदारी भी हो सकती है, फैमिली सपोर्ट नेबरहुड्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड सपोर्ट, सपोर्ट सिस्टम्स एक कमाऊ लड़की के लिए बहुत जरूरी है, और समाऊ पुरुषों के, नौजवानों के लिए फैमिली है। मेरे पीछे एक महिला होते हुए एक फैमिली थी, जब मेरे पीछे पुलिस डिपार्टमेंट नहीं था, पुलिस डिपार्टमेंट के पास कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि मैं अकेली लड़की थी, एक अकेली लड़की जिसको फैमिली सपोर्ट क्या देंगे। अब वेलफेयर सेंटर्स खुल रहे हैं थोड़े थोड़े, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अब पेड लीव्स दे रहे हैं, फैमिली सपोर्ट दे रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जाग रहा है, क्योंकि अगर लायक लड़की को आपने लूज नहीं करना काम से, तो दे आर प्रोवाइडिंग होम सर्विस,
प्रोवाइड केयर सर्विस, इट्स कॉल्ड केयर सर्विस, एल्डर केयर सर्विस, चिल्ड्रन, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड कर रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नहीं कर रहे अभी, लेकिन मेरे पास फैमिली सपोर्ट थी, ये मेरी खुशकिस्मती थी, लेकिन मैं उनकी कदर करती थी, वो मेरी कदर करते थे, मैं उनके लिए कोई कंफर्ट कम नहीं होने देती थी मेरी फैमिली सपोर्ट में, मैं उसमें कुछ पैसा नहीं गिनती थी, जो फैमिली सपोर्ट पेड होना चाहिए वो पेड था और जो वैसे मिलता था, सो आई थिंक दैट वाज अ सीक्रेट, आई थिंक द सीक्रेट फॉर एनी फैमिली व्हिच इज वर्किंग, बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ काम कर रहे हैं, दे मस्ट वर्क इंटरजेनरेशनल, जिसको इंदिरा नूई बोलती है, इंदिरा नूई वॉज अ वेरी सक्सेसफुल सीईओ, इंदिरा नूई बोलती है कि इट्स टाइम फॉर इंटरजेनरेशनल सपोर्ट, हम लोग अकेले अकेले बना रहे हैं, इट्स टाइम वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग बैक फॉर इंटरजेनरेशनल सपोर्ट, जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा ज्यादा काम कर सके, और एक माऊ पढ़ी लिखी लड़की घर बैठ जाए क्योंकि उसके पास सपोर्ट नहीं है, इट्स अ लॉस ऑफ इकोनॉमी एंड ग्रोथ टू द कंट्री, इट्स अ लॉस टू द कंट्री, सो इसलिए अगर हमने लूज नहीं करना, उसको प्रोडक्टिविटी में रखना है, तो वी मस्ट क्रिएट सिस्टम्स ऑफ सपोर्ट, वेदर इन द प्राइवेट सेक्टर और इन द पब्लिक सेक्टर, and families must come together to support each other in whatever way they can. Fearless governments में से ऐसा कोई चैप्टर जो मैम आपको सबसे अच्छा लगता हो, ऐसी चीज, क्योंकि मैं कल ही मुझे इस बुक के बारे में, जब मैं आपके बारे में पूरी रिसर्च कर रहा था तो पता लगा, और मैंने 10-15 चैप्टर इसके फटाफट पढ़े, बट विच इज योर फेवरेट इंसिडेंट आउट ऑफ दिस बुक विच यू वांट टू शेयर विद अस मैम? आपको कौन सा अच्छा लगा? मैं तो मैम अभी तक आपके शायद 4 या 5 पेजेस ही पढ़ पाया, मतलब कौन सा आपको याद है? उसमें से मुझे जो आपने ट्री प्लांटेशन के लिए मिशन ग्रीन पॉन्डिचेरी, एक तो वो आपका बहुत अच्छा लगा मुझे, उसके बाद आपने मिशन प्रॉस्पेरस पॉन्डिचेरी, दैट वाज अगेन द थिंग, क्योंकि शायद गवर्नर्स को पहले स्पीच देने का रिवाज नहीं था, लेकिन आपने डिसाइड किया कि नहीं, मेरी ऑथ सेरेमनी में मुझे स्पीच और ये मैसेज देना है, और ये जो मैसेज आपने दिया, आई जस्ट लव्ड इट मैम. अच्छा, मैं एक अपना खास चैप्टर आपको बताती हूँ, जो क्योंकि आपने पूछा, वहां पर बहुत सूखा हो रहा था पॉन्डिचेरी में, और गांव में वेल्स में पानी नहीं था, तो पानी, एवरीबॉडी वाज रनिंग आउट ऑफ वाटर, सो मैंने एक, इट वाज कॉल्ड वाटर रिच पुडुचेरी, अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें वाटर रिच पुडुचेरी, मैं कहती हूँ वो एक सोल्यूशन है भारत देश के लिए. क्या है वो सोल्यूशन? एक पैसा नहीं खर्चा मैंने वाटर टेबल बढ़ाने के लिए, सरकार के पास पैसा था ही नहीं, और जो था वो भी गलत इस्तेमाल करने की उच्च इच्छा थी, तो मैंने सारे कॉर्पोरेट्स को वहां पर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बुलाया, और मैंने ऑक्सीजन, मैंने कहा देखो तुम पानी यूज करते हो, वो तुम वर्लपूल पे हो, हाँ ल्यूकस हुए हो आप, MRF टायर्स पे हो, पानी तो यूज करते हो, तो पानी जो यूज करते हो वो पानी वापस कैसे दो, मुझे वापस दो पानी, गिव मी वाटर बैक. तो उन्होंने कहा कैसे चाहिए, ऐसे जहां जहां इरीगेशन है मशीनरी लाओ, आओ हम लोग डिसिल्टिंग करें. हमने हजारों, आपने जितने भी पॉन्ड्स थे जो सूखे पड़ रहे थे, जैसे बरसात आई हमारे इरिगेशन कैनाल्स जो किलोमीटर्स की लाइनों पे लगे हुए थे, बिकॉज सारे ने मिलके खुद मशीन हायर की, खुद मेहनत की, खुद मजदूरी करी, हमने सिर्फ PWD के साथ उनकी पार्टनरशिप की, और हमें 7 meters वाटर इंप्रूव करके आई पॉन्डिचेरी से, जो गिरता जा रहा था वाटर 7 meters वाटर ऊपर बढ़ा, क्योंकि सारी कंपनीज को हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जिम्मेवारी लेने के लिए, अपने अपने इरिगेशन कैनाल को, पॉन्ड्स को अडॉप्ट करने के लिए, कुएं को अडॉप्ट करो, पॉन्ड को अडॉप्ट करो, इरिगेशन कैनाल को अडॉप्ट करो, और उसकी सफाई करो, सफाई करके वेट करो बारिश की, जैसे बारिश आई सब भर गए, सब भर गई, 7 meters वाटर बढ़ गया, लोगों को कुएं में पानी आने लगा. अब मैंने वेट नहीं किया कि सरकार का बजट आएगा तो करेंगे, मैं बताती हूँ जितनी बढ़िया कंपनीज है जहां जहां पर भी है उनको पार्क्स, पॉन्ड्स, इरिगेशन कैनाल्स, लेक्स, टैंक्स अडॉप्ट करने चाहिए. उनके पास मशीनरी है, लार्सन एंड टूब्रोज वगैरह के पास हैवी मशीनरी है, थोड़ी सी मशीनरी लगाओगे वो डीसिल्ट हो जाएगा. सरकार लाखों रुपया खर्चती है डीसिल्टिंग में, जबकि ऐसी कंपनीज अगर थोड़ा थोड़ा समय भी निकाले और एरियाज को अडॉप्ट कर ले, सारे भारत में विल हैव वाटर लेवल इंप्रूव्ड. सो हमें सरकारी करोड़ों रुपए हमारे बच सकते हैं, हमारा सरकार का पैसा वहीं खर्चा जाए जहां की प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, अगर जहां जहां प्राइवेट सेक्टर कर सकता है तो करें. Have you given this suggestion to our prime minister sir or anybody else? मतलब क्या वो लोग इसे, क्योंकि जैसे आप पुडुचेरी के गवर्नर थे तो आपने उन सभी को बुला के ये किया,
अगर देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या और भी सीएम्स रेस्पेक्टिव स्टेट्स के अगर वो ये सॉल्यूशन अप्लाई करें तो आई थिंक बहुत जल्द ये पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एंड दिस इज वेरी वेरी क्रिएटिव सॉल्यूशन। दोस्तों आप में से जिसको भी ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा लग रहा है प्लीज मेक श्योर दैट ये चीज ज्यादा से ज्यादा हमारे सोशल मीडियाज के थ्रू पहुंचे क्योंकि हर कंपनी में कोई ना कोई इंसान ऐसा जरूर बैठा है जिसके दिल में पानी के प्रति पर्यावरण के प्रति संवेदना है एंड वो शायद इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिना यू नो गवर्नमेंट्स के इन्वॉल्व हुए। सो मैम हैव यू सजेस्टेड दिस टू आवर प्राइम मिनिस्टर सर? आई सेड दिस इन द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस। आई प्रेजेंटेड दिस इन द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस और ये सारा बिल्कुल चैप्टर लिखा हुआ इस बुक में। अगर आप फॉलो करेंगे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या कहीं भी हो इसको फॉलो करोगे बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरी साथ साथ हमने पेड़ लगाए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के थ्रू। यूनिवर्सिटी मेरे पर 50,000 स्टूडेंट थे, अगर हर इधर लाखों स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के, अगर एक पेड़ भी हर साल लगाएं, एक पेड़ भी लगाएं तो हमारे मिलियन जो पेड़ ऐसे ही लग जाएंगे और उसकी फिर देखभाल करें, उस पेड़ का नाम अपना दे दें, अपने माँ अपने अपने बर्थडे पर पेड़ लगाएं तो आप देखोगे हर एक का बर्थडे है, करोड़ों पेड़ बिना कुछ कॉस्ट किए लग जाएंगे। सो ग्रीन पुडुचेरी वाटर रिच पुडुचेरी, हमने ये करा था ग्रीन पुडुचेरी वाटर बिना सरकारी पैसे के। मैम अभी अभी हम लोगों ने एक इनिशिएटिव इसी महीने से शुरू किया है, वो है 365 दिन सेवा, 365 डेज सर्विस। ये एक छोटा सा इनिशिएटिव हम लोगों ने अभी शुरू किया और करीब 2000 से ज्यादा वॉलंटियर्स इसमें काम कर रहे हैं आज की डेट में। एंड सभी लोग छोटे छोटे इनिशिएटिव ले रहे हैं, कोई पेड़ लगा रहा है, कोई बेजुबान जानवरों को खाना खिला रहा है, तो कोई गरीब बच्चों को कंबल बांट रहा है। एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि पेड़ लगाने की इस मुहिम में और ज्यादा हम फोकस कर पाए।